इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड ये मोरल एजुकेशन की बुक देखेंगे। ये हमारा ये है फार क्लास थर्ड पीस एंड हार्मनी विद योगा। और ये बुक जो है मोरल एजुकेशंस एंड फिजिकल एजुकेशंस की है और ये फार क्लास थर्ड के लिए है। तो इसके विषय इसी में हम देखेंगे इसके आगे इसमें जो कंटेंट दिया गया है। कंटेंट में ये पहला पार्ट होगा यानी यूनिट फर्स्ट होगा मोरल एजुकेशन का और सेकंड यूनिट हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। और इसके बाद ये पहली यूनिट है कि द गर्ल एंड द स्पाइडर। तो इसी कहानी को आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो इसमें दिया है यूनिट वन वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक मूल्य क्या होते हैं। इसमें प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई एक मोरल एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन बताए गए हैं। तो पहला लेसन है कि द गर्ल एंड द स्पाइडर। ये जो हमारा जो हमारी कहानी है ये एक लड़की और एक मकड़ी की है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि हम इसे जिस चैप्टर के विषय में दिया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे क्या जानेंगे। तो इन दिस चैप्टर्स वी शैल लर्न दैट वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम ऑन दोज थिंग्स विच हैज़ बीन लॉस्ट। मीन्स इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी शैल लर्न हम सीखेंगे दैट वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ऑन दोज थिंग्स विच हैज़ बीन लॉस्ट। जो चीज़ें खो गई हों जो चीज़ें हमसे खराब हो गई हों खो गई हों उसके विषय में हमें समय उसके पीछे हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद इसमें दिया गया लर्न एंड फन। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स। अब यहाँ पे जो देखा जाए जो लेसन दिया है कि द गर्ल एंड द स्पाइडर्स। अब वहाँ पे ये अब हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लास में हम बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते थे ये हमारा है फ्रॉग, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी FROCK और ये है स्पाइडर SPIDER इसमें लिख देंगे। अब आते हैं कहानी की तरफ तो देखते हैं कहानी में क्या लिखा हुआ है। वंस देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड स्विमिंग। एक बार एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था सिमी। वन डे एक दिन सी वॉज क्लाइंबिंग वह चढ़ रही थी द स्टेयर्स सीढ़ियों पर टू द एटिक अटारी पर जाने के लिए टू प्ले विद हर टॉयज। यानी एक दिन वह अटारी की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी अटारी पर जाने के लिए चढ़ रही थी अपने टॉयज के साथ खेलने के लिए। यानी उसको अपने टॉयज से खेलना था इस गर्ल को। तो ये जो है एटिक पे सीढ़ियों की सहायता से जा रही है सीढ़ियों पे जा रही है। होता क्या है कि सडनली अचानक हर फ्रॉक मेड आउट ऑफ मसलिन क्लॉथ। उसकी फ्रॉक अचानक उसकी फ्रॉक जो कि मसलिन की बनी हुई थी, मसलिन में होता है मखमल, मखमल की बनी हुई थी गेट टॉर्न यानी फट गई बाय ए शार्प नेल तेज नाखूनों से नहीं तेज उसी के तेज नाखूनों से उसकी फ्रॉक जो है वेलवेट की बनी वो सॉरी मसलिन की बनी हुई थी वो फट गई। When she saw the torn cloth piece of her favorite frock, और वो उसकी फेवरेट फ्रॉक थी सबसे अच्छी फ्रॉक थी उसको बहुत पसंद थी वो फ्रॉक। तो when she saw जब उसने देखा the torn cloth piece of her favorite frock की उसके जो है फ्रॉक की जो फेवरेट थी उसका कपड़ा फट गया है she became very sad, वो बहुत दुखी हो गई। She kept crying for a long time, और लंबे समय तक वो चिल्लाती रही यहाँ पे रो रही थी बराबर लंबे समय तक। इसी के आगे देखेंगे इसी कहानी का आगे। हियरिंग हर क्राइंग उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ए स्पाइडर दैट वॉज बिजी इन वेविंग इन वेब केम आउट। हियरिंग हर क्राइंग उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ए स्पाइडर एक मकड़ी दैट वॉज बिजी जो कि बिजी थी इन वीविंग हिज वेब अपना जाला बुनने में मतलब बिजी थी। वीविंग मीन होता बुनना जैसे स्वेटर बुनना कपड़े बुनना
और ये यहाँ पे आया है, उजाला बना रही थी, तो वीविंग कर रही थी, बुनाई कर रही थी, यानी बुन रही थी, वेब में जाला, अपना जाला बुन रही थी, बुनने में बिजी थी, व्यस्त थी। केम आउट, बाहर आई, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड, इस सुंदर लड़की को किसने दुखी कर दिया, यानी ये दुखी क्यों हो गई, वो पूछ रही है कि मतलब ये जो सुंदर लड़की है, व्हाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड, किसने इस बच्ची को, इस सुंदर लड़की को जो है दुखी किया। सिमी लुक्ड एट हिम, सिमी ने उसकी तरफ देखा, एंड सॉब्ड, और सिसकने लगी। होता है कि जब रोते हो, रोने के बाद बच्चे सिसकी लेते हैं, तो वो जो है बहुत देर से, चूँकि बहुत देर से रो रही थी, तो उसको सिसकी आने लगी। सिसर, उसने कहा, माई लवली फ्रॉक इज टॉर्न, मेरी प्यारी फ्रॉक फट गई है, टॉर्न में फटना होता है, एंड आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। द स्पाइडर स्माइल, मकड़ी जो है मुस्कराई, एंड सेड, और कहा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई वर्क सो हार्ड इन वेविंग माई वेब, मैं अपना जाला बनाने में यानी बुनने में बहुत कठिन परिश्रम करती हूँ, वर्क हार्ड करती हूँ, इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम, और इसको बनाने में घंटों यानी कई घंटों लग जाते हैं, यानी मेरा घर जो बनाने में, मकड़ी बता रही है उस लड़की से कि मेरा घर बनाने में कई घंटों लग जाते हैं, एंड इट टेक्स ओनली ए सेकेंड टू बी डिस्ट्रॉयड, और इसको नष्ट करने में केवल एक सेकेंड का समय लगता है। आई हैड मेड माई होम यस्टरडे ओनली, कल ही मैंने अपना घर बनाया था, इट वॉज रिमूव्ड अवे बाई योर मैट दिस मॉर्निंग, और इस सुबह आपकी नौकरानी ने मेरा घर हटा दिया, यानी जाला को हटा दिया। मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी का घर जो होता है जाला होता है, तो उसका घर यानी कि यहाँ पे जो आपने ये दिया गया है होम यस्टरडे ओनली, यानी होम का मतलब वहाँ पे वेब से आता है, उस उसके जो मकड़ी का घर होता है वो अपने घर को बता रही कि मेरे होम को कल आपकी नौकरानी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इट वॉज रिमूव्ड अवे बाई योर मैट दिस मॉर्निंग, इस सुबह आपकी नौकरानी ने मेरा घर यानी रिमूव कर दिया, मेरा जाला को, मेरे जाले को रिमूव कर दिया, हटा दिया। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत दुखी हो गई थी, स्पाइडर कह रही है लड़की से कि मैं भी बहुत दुखी हो गई थी। देन आई थॉट, तब मैंने सोचा, दैट इंस्टीड ऑफ बींग सैड, दुखी होने के बजाय, आई शुड स्टार्ट वेविंग माई होम अगेन, मैं पुनः अपना घर बनाना शुरू कर दूँ। सो डोंट क्राई नाउ, इसलिए अब चिल्लाओ मत, चिल्लाओ नहीं, मेन योर फ्रॉक, अपनी फ्रॉक जो है सुधार लो यानी मरम्मत कर लो, इंस्टीड दैट वे योर पीसीएस टीयर्स वुड नॉट बी वेस्टेड, और कह रहे हैं कि अपनी फ्रॉक जो है रोने की बजाय अपनी फ्रॉक सुधार कर लो, फ्रॉक में मरम्मत कर लो, मेंड योर फ्रॉक, अपने फ्रॉक की मरम्मत कर लो, इंस्टीड यानी रोने की बजाय, दैट वे, इस प्रकार से योर प्रीसियस टीयर्स, प्रीसियस पिन होता है कीमती, आपके कीमती आंसू वुड नॉट बी वेस्टेड, बर्बाद नहीं होंगे, यानी बर्बाद होने से बच जाएंगे। और इसके बाद आता है ये थिंग, टीचिंग फैक्ट क्या है, डू नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग ऑफ व्हाट लॉस्ट, मीन्स कि हमें उस चीज़ पे समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए कि क्या खो गया है, है? क्या खो गया, जो खो गया है वो खो जाने दीजिए, आगे हमें उसका उपाय ढूंढना चाहिए कि उसको कैसे हम उसमें सुधार लाएं, कैसे उसको बनाएं, या उसका क्या हल, उसका हल ढूंढना चाहिए, उस चीज़ को सोचने में समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ए दिया गया है, टिक ट्रू और फॉल्स, पहला सेंटेंस दिया गया है, सिमी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स टू द एटिक टू प्ले विद हर टॉयज, सिमी वॉज क्लाइंबिंग, सिमी चढ़ रही थी द स्टेयर्स टू एटिक टू प्ले विद हर टॉयज, यानी एटिक, अटारी पर
टू प्ले विद हर टॉयज, अपने खिलौने से खेलने के लिए, मीन्स सिमी जो है अपने खिलौने से खेलने के लिए अटारी पर जा रही थी। अटारी ये जो है एटिक जो है, अटारी पहले के समय में जो कच्चे मकान होते थे उनके ऊपर जो कच्चे मकान में जो कमरे होते थे उसके ऊपर भी कमरे बनाए जाते थे, तो वो एटिक अटारी कहलाती थी। तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। इसके बाद है व्हेन सिमी सॉ द टॉर्न क्लॉथ पीस ऑफ हर फेवरेट फ्रॉक सी बिकेम वेरी सैड। जब सिमी ने अपने फेवरेट फ्रॉक के फटे, मतलब फेवरेट फ्रॉक को फटा देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। ये भी सेंटेंस आपका सही है, ये सही बात है। जब सिमी ने देखा कि मेरी जो फेवरेट फ्रॉक है वो थोड़ी सी फट गई है, उसके जो शार्पनेस थे उसके से, तो वो बहुत दुखी हो गई थी। तो ये आपका सेंटेंस ट्रू रहेगा। और नेक्स्ट आता है कि स्पाइडर्स होम नीड मिनट्स एंड सेकेंड टू बी क्रिएटेड। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। जैसा कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि आवर्स एंड आवर्स, इस टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू बी क्रिएटेड, यानी जो स्पाइडर्स अपना वेब बनाती है, अपना होम बनाती है, जो जाला बनाती है, उसको जो है घंटों, कई घंटे जो है उसको बनाने के लिए आवश्यकता होती है, उसको क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। यानी मकड़ी को जो जाला बनाने के लिए कई घंटों की ज़रूरत होती है, ना कि मिनट्स और सेकेंड की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि स्पाइडर हैड मेड इट्स होम आवर्स एंड आवर्स। स्पाइडर को अपना घर बनाने में कई घंटों लगता है। तो ये बात सही है कि स्पाइडर जब अपना जाला बनाती है तो उसको जाला बनाने में कई घंटों लग जाता था। तो ये हमारा ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला सेंटेंस दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में से कौन सा सही, ये हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग देखनी है, उसमें टिक करना है। तो आता है कि सिमी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स टू द एटिक टू प्ले विद हर। सिमी जो है अटारी पर सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तो वो किसके साथ खेलने के लिए जा रही थी। तो दिया पहला ऑप्शन दिया गया, टॉय के साथ खेलने जा रही थी, डॉग के साथ खेलने जा रही थी, बैलून के साथ और डॉल के साथ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वो अपने टॉय के साथ जो है एटिक पर खेलने जा रही थी। नेक्स्ट नंबर आता है कि सडनली सिमी फ्रॉक मेड आउट ऑफ, फिर ये ब्लैंक स्पेस दिया है, क्लॉथ गेट टॉर्न बाई अ शॉर्ट नेल। अब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, सिल्क, वेलवेट, मसलिन और ये है कॉटन। तो सडनली सिमी फ्रॉक मेड आउट ने किससे बनी हुई थी, मसलिन से बनी हुई थी। गेट टॉर्न बाई अ शॉर्ट नेल, जो कि नुकीले नाखून से वो फट गई थी। अब नेक्स्ट आता है कि हियरिंग सिमी क्राइम ब्लैंक स्पेस केम आउट फ्रॉम इट्स कॉबवेब। इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्पाइडर, बी ऑप्शन है आंट, सी ऑप्शन है बी और डी ऑप्शन है हनी बी। तो हियरिंग सिमी क्राइंग, सिमी को चिल्लाते हुए सुनकर ए स्पाइडर केम आउट फ्रॉम द कॉबवेब, यानी स्पाइडर जो है उसके पास आई। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि इट टेक्स ब्लैंक स्पेस एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम एंड इट टेक्स ओनली अ सेकेंड टू बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आवर्स, मीन्स इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम। ये स्पाइडर ने कहा था कि हमें अपना घर बनाने में घंटों लग जाते हैं, कई घंटों लग जाते हैं। एंड इट टेक्स ओनली अ सेकेंड टू बी डिस्ट्रॉयड, और इसे नष्ट होने में एक सेकेंड का समय, केवल एक सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट इसमें है सी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड नेम्ड किमी सिमी। तो इस स्टोरी में क्या नाम दिया गया है गर्ल का, सिमी दिया गया है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, सिमी। वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड सिमी। अब व्हेन सिमी, सेकंड सेंटेंस है, व्हेन सिमी सॉ द टॉर्न क्लॉथ पीस ऑफ हर फेवरेट। अब यहाँ पे
ब्लैंक स्पेस सी बिकेम वेरी शर्ट। तो यहाँ पे ड्रेस दिया गया है, फ्रॉक दिया गया, ऑब्लिक लगा हुआ, इसमें से हमें कोई एक ऑप्शन देखना है, एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम इसमें ये हमारा फ्रॉक हो जाएगा। उसकी जो फेवरेट फ्रॉक थी वो जो है फट जाने के कारण वो दुखी थी, इसलिए दुखी थी, उसकी जो फेवरेट फ्रॉक थी वो फट गई थी शार्पनर से, इसलिए वो दुखी थी। फिर इसके बाद थर्ड सेंटेंस आता है कि द स्पाइडर स्माइल्ड एंड सेड लुक एट मी। मकड़ी जो है मुस्कुराई और कहा देखो मेरी ओर देखो, आई वर्क सो हार्ड इन विविंग माई अब जो है वेब होम। हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो उसको तो होम कहते हैं, लेकिन वेब कहाँ रहती है, वेब वो सॉरी जो मकड़ी का घर होता है, स्पाइडर का जो घर होता है, स्पाइडर जो अपना घर बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाला कहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें वेब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मकड़ी के घर की बात की गई, तो वेब लिखेंगे, वेब मीन जाला। इसके बाद कोई सेंटेंस फोर आता है कि डू नॉट वेस्ट ब्लैंक स्पेस इन थिंकिंग ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, इसमें मनी टाइम। तो डू नॉट वेस्ट टाइम हो जाएगा, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इन थिंकिंग, ये सोचने में कि व्हाट इज लास्ट, क्या खो गया है, क्या खो गया है, उसको सोचने में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम बाद में देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद और भी थोड़ा सा दिया गया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसमें दिया गया है फन टाइम। तो सॉल्व द वर्ड ग्रिड फ्रॉम द ऑप्शंस बाय गिवन, तो इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और इसमें जो ये हमारा ग्रिड दिया गया है, इसी ग्रिड से हमें चूज करने हैं ऑप्शंस में। तो एटिक दिया गया है, तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे इसमें एटिक, तो एटिक दिया गया है, तो ये हम देखते हैं कि ए सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड देखेंगे ए, अब हम इसमें जहाँ भी ए लिखा होगा वहीं से हम इसको गेस करेंगे और दाएं बाएं नीचे इस तरह से हम इसको देखेंगे, लेफ्ट राइट और ये ऐसे नीचे को देखेंगे, क्रॉसवर्ड भी रहता है। तो इसमें देखा जाए तो ए डबल टी आई सी एटिक ये दिया गया है फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड है फ्रॉक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एफ कहाँ लिखा हुआ, तो एफ ये लिखा हुआ पहले ही हो गई, तो इसमें एफ आर ओ सी के क्या हो गया, फ्रॉक हो गया। नेक्स्ट आता है होम, अब होम में एच हम सबसे पहले देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एच ये है लेकिन क्या इसमें होम बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो नेक्स्ट एच पे हम जाएंगे, अब हमारा ये होम कहाँ से आएगा, एच ये देखिए एच ओ एम ई होम ये हो गया, इसको हम ये सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट आता है वेब डब्ल्यू ई वी, अब इसमें देख लेंगे कि डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू जहाँ पर होगा वहीं पे वेब होगा, तो इसमें दाएं बाएं नीचे ऊपर चेक कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू ई वी वेब हो गया, तो इस पर हम सर्किल बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्वाइस, अब ट्वाइस में ट्वाइस को सर्च करने के लिए इस ग्रिड से सबसे पहले हम टी सर्च करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये टी हमारा सर्च हो गया, अब हमारे ये लेफ्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट में देखेंगे और अगर हम इसको विडो में देखेंगे तो हमारा ये एटिक बन रहा है, तो हम इसको राइट में देखेंगे तो राइट में टी ओ वाई एस ट्वाइस, ट्वाइस मीन क्या होता है, खिलौना। नेक्स्ट आता है प्ले, अब देखते हैं हम पी, सबसे पहले इसमें हम पी सर्च करेंगे, पी हमारा कहाँ लिखा हुआ है, तो जब पी मिल जाएगा तो हमारा प्ले भी हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट रो में लिखा हुआ है पी एल ए वाई प्ले, तो इस तरह से इसको भी हम सर्किल कर देंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया, सॉरी, लुक एट द पिक्चर्स कलर इट एंड आल्सो राइट द नेम, इसको हमें कलर करना है और इसके बाद इसमें ये क्या बना हुआ है, कौन सी पिक्चर्स बनी हुई, तो हम देखेंगे कि ये स्पाइडर है, एस पी आई डी ई आर इसमें हम लिख देंगे और इसको कलर करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।